मुंबई 1980 सड़कों पर खोले आम खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylist.com। सारे सिपाही जल्द से जल्द झाड़ियों के पीछे छुपो जाओ। शहंशाह अकबर के पैगाम की आमद के वक्त से हिसाब लगाएं तो रसद अशरफियां और असले से भरा मुगल कारवां किसी भी वक्त आ सकता है अपने जखीरे के साथ। हुजूर, हुजूर, मुगल कारवां आ रहा है। बाजीराज कितनी देर कर दी आपको पता है आपके ना होने से हमारी हालत कितनी बिगड़ गई थी। चुप रहिए और वीरता भरी बातें कीजिए। पता नहीं बाद में अवसर मिले ना मिले। अब हम वरवधु के सुखद भविष्य के लिए गृह शांति यज्ञ आरंभ करेंगे। अब आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम सुमखश्चय दंतश्चय कपिलोगजकर्ण कः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते वक्रतुंड महाकाय शूरिकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा पुष्पं समर्पयामि। पुष्पकलश प्रभिजी जी, वो तो ग्रह का मंत्र छूट गया। ओम ब्रह्म 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 सै बुद्धाय नमः यही है ना? अजब पुरोहित जी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, सचमुच पता नहीं कैसे भूल गया था। धन्यवाद राजकुमारी जी, ऐसा लग रहा है मानो स्वयं अपनी पुत्री के लिए जितना मंत्र पढ़ने के लिए सोचा था शायद उसमें कुछ अधिक कठिनाई हो रही है। अच्छा दी, यदि आप पंडित जी कुछ भूल जाए ना तब हमें बता दीजिएगा, हम ऊंचे स्वर में सबके सामने बोल देंगे। ठीक। सिपाही लूट के हमले के लिए तैयार हो जाओ। भार डालो मुगल सिपाहियों को और लूट लो मुगलों का सामान। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। Yeah.
कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंडवती बेलिका क्षिप्रावित्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी। अब शहंशाह को कैसे बताएं? ये प्रताप तो महल के अंदर भी उतना ही सबका प्यारा है जितना महल के बाहर है। हर वक्त घिरे रहता है लोगों से। इसको मारने के लिए कोई ऐसी जुगत सोचनी पड़ेगी जिससे पहले तो मैं इसको कुछ देर के लिए लोगों से अलग कर सकूं। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जाओ और जाकर कह दो अपने शहंशाह से कि अगर वो ये सोचता है कि अपने शत्रु को रसद और हथियार देकर के वो प्रताप की शक्ति को चुनौती दे सकता है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जाओ और जाकर कह दो अपने मुगल शहंशाह अकबर से आज हमने मुगल कारवां लूटा है और बहुत जल्द हमारे कुंवर प्रताप पूरी मुगल सल्तनत लूटेंगे। जाओ। असली सोने की मुगलिया शर्फिया। नहीं, हमें नहीं पढ़ना ये सब में। बस इसमें से थोड़ी सी हल्दी अगर आप पे लग गई ना तो सब बदल जाएगा। हम कुछ समझे नहीं काकी जी। कहते हैं बींद राजा पे लगने वाली हल्दी अगर किसी कुंवारे पे लग जाए तो उस पर भी विवाह का लगन चढ़ जाता है। क्या कुंवारी लड़कियों को हल्दी लगाने से उन पर लगन चढ़ जाता है? हम नहीं मानते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद लगवा के देख लीजिए ना भाई साहब। अगर आपको सीधी करना है तो अच्छा देखे मुँह पे लगाइए। फूल? यदि ऐसी बात है तो फिर डरना कैसा, अभी लगा देते इन पर हल्दी। ये विवाह के लगन की हल्दी है बाऊजी राज, इतनी सरलता से नहीं छूटने वाली। हम चित्तौड़ पहुंचते ही महारानी सा से कह देंगे कि ढूंढ ले वो आपके लिए कोई अच्छी सी बिंदनी। अच्छा जी, अब आपका विवाह हमसे पहले होगा। फूल, कुछ भी बोलती हैं आप। तो इनके लिए भी लड़का ढूंढना आरंभ कर दीजिए। अभी छोड़ा क्या थे? मेरी दास, हम पहली बार बाजीराज को लज्जा से लाल होते हुए देख रहे हैं। लाले चक्रपाणी, हल्दी से पीले पीले। रा 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 रा।
चेहरा देखिए। सुनिए, आपके चेहरे पर भी कुछ नहीं, वो अभी धोलेंगे। हम भी धोलेंगे अभी जाके। मारिया तो कहीं भी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, पर अब लंबा नहीं खींचेगा ये खेल। कृपया आधी रात के समय पुराने मंदिर पे मिलिए अकेले। हमें आपसे एक बात कहनी अकेले में। कौन जो हमसे आधी रात में पुराने मंदिर पे मिलना चाहता है, वो भी अकेले। चलिए, अब कौन है क्या चाहता है तो मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। आधी रात में ही पता चलेगा। अच्छा, एक लिखावट तो नहीं है ये? फिर कौन बुला रहा है हमें आधी रात को, वो भी अकेले? कोई है? कोई है यहाँ पे? सुनो, अभी यहाँ पे कौन आया था? भाई साहब, बाबूजी रात पता पाए थे यहाँ पे भी। कुंवर प्रताप, ठीक है, मिल लेते हैं आपसे आधी रात को। आधी रात के समय पुराने मंदिर पे मिलिए अकेले। हम आपसे एक बात कहनी है अकेले में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फिर से कहिए कहिए। जान की अमान चाहता हूँ जहाँ पना। उन्होंने बोला अभी तो सिर्फ कारवां लूटा और बहुत जल्द हमारे कुंवर प्रताप तमाम मुगल सल्तनत को भी लूट लेंगे।
तलवारें मयान मयान। मगर शहंशाह, ये तो जंग का खुला दावतनामा है आपके लिए, वो भी इतनी तोहीन के साथ। अम्मी जान, हमने खुद प्रताप के साथ काफी वक्त गुजारा है, वो इस कदर बेशऊर और बेतहजीब नहीं हो सकता। माना हाना हाना, आज वो हमारा दुश्मन पर वो हमारा दुश्मन। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दुश्मन भी दुनिया के लिए काबिले रश्क होता। ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता। वो जब भी वार करेगा खून के खून के सरेआम बता क्या है। वही तो कुछ है जहां बेईमानी चल रही है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हम खुद भेष बदल के जाएंगे और देखेंगे आखिर चल क्या रहा है। और इससे पहले कि आप हमें रोकने की कोशिश करें अम्मी जान, एक बात हम आपको साफ साफ बताते कि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आपको रोकेंगे नहीं शहंशाह, मगर हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपके वहां जाने से पहले प्रताप के मौत की खबर यहाँ आ जाए। मानते हैं कि आप हमारी मित्र नहीं बन पाए। हम मानते हैं कि हमने आपसे निकट होने के अनेक प्रयास किए, किंतु आप कभी भी हमसे निकट ना होकर हमेशा दूर हट हट कर ही जिए। किंतु आज हम एक सत्य कथन करना चाहते हैं कि हम आप पर जान छिड़कते हैं, और हमारी आंखों के सामने यदि गौहर जान आपकी जान चली जाएगी तो हमारी आंखों में से आंसू तो निकले। अगर आज रात किसी की आखिरी रात होने वाली है तो वो होगी प्रताप। ये संदेश हमें किसने लिखा है इसका पता तो पुरानी मंदिर पर स्वयं जाकर लगाया जा सकता है। उफ़, जब से कुंवर प्रताप आए हैं हर दिन एक ना एक गड़बड़ तो होती ही होती है। कुंवर प्रताप से तो कितनी बातें करते रहते हैं हम आजकल, फिर ऐसी क्या बात आ गई जिसके लिए उन्होंने हमें पुराने मंदिर के पास बुलाया। वैसे तो जब देखो तो हमारी खिंचाई करते हैं, बात तक नहीं करते कभी सीधे में, और अब देखो हमें कोई इस समय मिलने के लिए बुलाया है और वो भी अकेले। क्या करें, किससे पूछे। लक्ष्मी भी सो गई होंगी, इस समय भला किससे बात करें हम। अजब दे, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, अजब दे को नहीं बुला सकते, वरना ये भी तो आएंगी ना हमारे साथ, और कुंवर प्रताप ने हमें अकेले बुलाया है। क्या हुआ फूस? अजब दे हमें सामने देखे, अजब दे चाहे।
ऐसा कभी अपने जीवन में। पर जो भी हो, कुंवर प्रताप की बातें ना मानने का भी मन नहीं करता। ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगी। जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।